पुजारी आया दिखता, अरे पाम उठा के पागल जैसे बाबा है, पाम उठा के बाबा था वृंदावन में शक बाप के उपासक, और वो उस स्थिति में पहुंच चुके थे। शक बाप का स्फूर्ति हो गया, गोविंद मंदिर जो है ना, गोविंद जी, गोविंद मंदिर में जाकर स्फूर्ति हो गई है, वो अपने को सखा रूप में देख रहे हैं एकदम। जा करके वो जो लकड़ी का ये रहता है ना, जहां पर ठड़े होकर सब दर्शन करते हैं, भीतर जा नहीं पाते, वहां लकड़ी है ना, एक लकड़ी का ऐसा बैरिकेड रहता है ना, वहां पर पाम उठा दिया, कहते कन्हैया ओ कन्हैया ले मेरा पाम छू ले, मेरा पाम छू ले, नहीं तो तेरे पास खेलने नहीं लेंगे, पहले हमारे पाँव छू, हमसे क्षमा मांग, हमें किसी क्षमा मांगने से हमारे पाँव छू के फिर जाके तो तेरे को खेलने लेंगे, नहीं तो आज खेलने लेंगे ही नहीं, जल्दी कहता हूँ मेरा पाँव छू ले, मेरा पाँव छू ले बोल कर वो पाँव को उठा दिया, वो लकड़ी का जो वेरीगेट है उसके ऊपर। सत्य घटना है, पुजारी आया दिखता, अरे पाम उठा के पागल जैसे बाबा है, पाम उठा के बोलता मेरा पाम छू ले। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके चरण झंड का वंदन करते हैं, जिसको चरण झंड प्राप्त करना संभव नहीं है, जुग जुगांतर अनंत काल अनंत कोटि ब्रह्मांड सब जिनके चरण कमल के वंदन करते हैं, जक्ष पद नकज परम ब्रह्म शब्दितंग, और ऐसे भगवान को पाम दिखा रहे आकर के तो थप्पड़ मार के है पागल कहीं के मजा करने के जाने, थप्पड़ मारते मारते गेट के बाहर कर दिया, वहां जाके और गुस्सा आ गया, उसका स्फूर्ति दशा गया नहीं, वहां बैठ के पाम लंबा करके एक डंडा लेके बैठा, आज तो निकाल तेरे को, तेरा आदमी से हमको निकाल दिया, आज तेरे को मारूंगा मैं डंडा से मारूंगा, तू हमारे पाम चुके क्षमा मांगेगा तब तेरे को जाने दूंगा, नहीं तो जाने ही दूंगा नहीं, मैं बैठ गया। भगवान है, ये है प्रेम, ये है प्रेम, तो इसका मतलब ये नहीं जो ऐसा भाव कोई ऐसे व्यवहार करे, ये तो स्वाभाविक स्थिति में जाने से होता है, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं जो हम भी ऐसे व्यवहार करें, ऐसा नहीं, वो तो स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाता है, फिर जाके वो संकोच नहीं रहता है, वो प्रेम की ऐसी स्थिति आ जाती है जहां जाके एक तदात्मता, एक प्रियतम की परम परंपरा कष्ठा, एक प्रेममय अवस्था जहां जाके निसंकोच एक प्रेम ही विद्यमान है, ये है हमारे ब्रज उपासना पद्धति, हमारे ब्रज उपासना पद्धति।